अभी आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बहाली के बाद अहम रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। रजिस्ट्रार पीएमडीसी ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। पीएमडीसी की बहाली के बाद अहम रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों का रिकॉर्ड गायब पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 गाड़ियां, 3 लैपटॉप, डिपार्टमेंट्स और घरों की चाबियां गायब हुई। वजारत सेहत को सूरत हाल से आगाह किया गया। अभी तक जवाब नहीं आया। कलदम करार दिए गए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सेक्रेटरी और वजारत सेहत को सूरत हाल से आगाह किया गया। वजारत सेहत से अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। याद दहानी का खत भी भेजा जा चुका है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कलदम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अरसलान हैदर से भी राब्ता किया गया। डॉक्टर अरसलान हैदर ने खुद आने से साफ इनकार कर दिया। कहा वजारत सेहत से ही बात करें। पीएमडीसी बहाली के बाद 1000 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है। कुल 6500 जेर इल्तवा रजिस्ट्रेशन केसेस की निशानदही की जा चुकी है। पीएमडीसी ने कोरोना के बाईस अभी सिर्फ 45 मुलाजिम के महदूद स्टाफ के साथ काम शुरू किया है। डॉक्टरों की सहूलत के लिए कराची, लाहौर समेत तमाम इलाकाई दफातर भी फाल बना दिए गए हैं।